How are you all? Welcome you all in our classes provided by Emden Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने हमारा चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर रखा है, हम लोगों ने इसकी रीडिंग ले ली है और इसके MCQ एंड हमने इसके वर्ड मीनिंग लिख लिए हैं. ठीक है, आई होप आपने लिख लिए होंगे और जिसने नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ लिख लेना, क्योंकि फिर एकदम से ये सब करना मुश्किल हो जाएगा. पॉसिबल तो होगा ही, करना तो पड़ेगा ही आपको. ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं डेली बेसिस पर. ठीक है, ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे और सारा काम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट्स का करने को मिल जाए. ठीक है, तो प्लीज़ आप भी कोऑपरेट कीजिएगा. ठीक है, हमारी जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑब्वियस. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें. कल हमने इसके MCQ पर छोड़ा था, आज हम इसको इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और जितने शॉर्ट हो पाएंगे उतने करेंगे. ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा. डिफाइन प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज क्या है? हाँ जी, पहले तो आप अपनी लैंग्वेज में जो अभी तक आपने सीखा क्या था, कि जब हम दूसरे व्यक्ति को अपने आप से नीचा समझते हैं या किसी के प्रति क्या है एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, वो क्या होता है? प्रेजुडाइज. क्या होता है? प्रेजुडाइज. ठीक है, यानी कि उसके प्रति हम पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं. ठीक है, हमारे मन में उसके लिए ऐसी भावना पैदा हुई है. तो ठीक है, तो अब हम इससे रीडिंग लेते हैं. मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, कि मतलब दूसरे पर्सन को जज करना एक गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से. ठीक है, उसके बारे में कुछ गलत सोचना और सी देम एज इन्फीरियर, या फिर उनको हमसे नीचा समझना. ठीक है, सी देम एज इन्फीरियर. अगर आप चाहें तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, या फिर लिख सकते हैं मीन्स टू सी अदर पीपल एज इन्फीरियर. आप यही लिख लेना, मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली. ठीक है, अगर पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली. उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरोटाइप. हाँ जी, स्टेरोटाइप क्या होता था? हमारी रूढ़िवादी सोच, यानी कि पहले तो हम एक कुछ लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक इमेज में रख लेते थे कि ये तो इसी के लिए बने हैं. लाइक हमने देखा था कि गर्ल्स को तो यही समझा जाता था कि घर के काम करें और बॉयज़ को बाहर जाके कमाने के लिए बोला जाता था. यानी कि गर्ल्स को एक फ्रेम में रखा कि उनको सिर्फ घर के कामों के लिए बनाया है, उनको एजुकेशन का कोई हक नहीं है. ठीक है, घर के काम करें, बाद में उसकी शादी कर दें, यही सब उसके लिए बना है. और बॉयज़ के लिए कि बाहर जाके कमाएं, ठीक है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का पालन पोषण करना. इस तरीके से एक रूढ़िवादी सोच थी. इसका मतलब क्या किया हमने? लोगों को एक इमेज में फिक्स कर दिया, सेम टाइप के लोगों को एक ही इमेज में फिक्स कर दिया कि ये इसी कैटेगरी में आते हैं. मीन्स फिक्स पीपल इनटू वन इमेज. मीन्स क्या है? लोगों को फिक्स करना एक ही इमेज में. आई होप आपको समझ आया होगा. हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, आपने जो पढ़ा है और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा. ठीक है, आपको इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर से और भी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है क्वेश्चन आंसर के जरिए, तो ये मत सोचिएगा कि मैम ने क्वेश्चन आंसर में लेसन में तो करवाया नहीं, अब क्वेश्चन आंसर में करवा रहे हैं. तो आप लेसन में भी नई चीज़ सीख रहे थे, ये समझ लेना, क्वेश्चन आंसर में भी नई चीज़ सीख ली. ठीक है, तो आप इसको रिसिस्ट करने की बजाय इसको अपना लें. ठीक है, तो क्या है स्टेरोटाइप का मतलब? क्या है? एक इमेज में सभी लोगों को फिक्स कर देना. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? देखो, हम लोगों ने एक पर्सन के बारे में सोचा कि हमसे कम है, ये तो हमारे माइंड में हुआ कोई एक्टिविटी. ठीक है, अभी सामने वाले को तो नहीं पता चल रहा ना कि उसके साथ उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, लेकिन अगर हम उसको दिखा दें कि तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, तुम हमारे साथ नहीं खा सकते, तुम हमारे जहां हम पूजा कर रहे हैं वहां पूजा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो प्रेजुडाइज था हमारे माइंड में, जो उसके लिए सोच थी, अब उसके कारण उसके साथ क्या हुआ? भेदभाव हुआ. राइट, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, पक्षपात. ठीक है, तो हमारे मन में जो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर्सन के लिए, अब उसकी वजह से क्या हुआ? उसके साथ भेदभाव भी हुआ. तो ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं, रीडिंग लेते हैं. अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन के साथ किसी गलत तरीके से ट्रीट करना और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस के बेसिस पर, यानी कि हमारी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमने उसको अनफेयर ट्रीट किया, मतलब गलत तरीके से ट्रीट किया. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, मेंशन सम फैक्टर, कुछ फैक्टर्स को बताइए. ठीक है, कुछ फैक्टर्स को बताइए डेट कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में पक्षपात होता है. हाँ जी, एक तो सबसे बड़ा पक्षपात किसकी वजह से होता है? कास्टिज्म, कि उस कास्ट का है, मैं उस कास्ट का हूँ. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है. दूसरा, धर्म आजकल भी बहुत चला हुआ है. रिलीजन, जो हमारा सबसे बड़ा कारण है कास्ट के बाद. ठीक है, रिलीजन. दूसरा, वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, ये सब. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? यही सब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात का कारण है. ठीक है, तो इसमें सब एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि कल्चर, किसी का कल्चर अलग होता है. ठीक है, तो पक्षपात होता है.
कास्ट सिस्टम, यह अभी बताया मैंने, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि मैं अमीर हूँ या वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या, पैसों के बेस पर, यानी कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर उसको नेगेटिव पॉइंट से जज करना, उसके साथ भेदभाव करना आर कॉजेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, समझ आ गया। आप इसमें कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, ठीक है। What do you understand by the caste system in India? इंडिया में कास्ट सिस्टम से आप क्या समझते हैं? हाँ जी, जो हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, आप लोग सब वाकिफ़ हैं इस बात से कि कास्ट सिस्टम है इंडिया में, तो इससे आपको क्या समझने को, सीखने को क्या मिलता है कास्ट सिस्टम से? द कास्ट सिस्टम वॉज प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा, सोशल इविल इन इंडिया, इविल का मतलब होता है बुराई, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम है हमारे इंडिया में, सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है, क्या है, सबसे बड़ा सामाजिक शैतान है, या लगा लो शैतान है, एक तरह का एविल, एविल क्या होता है, शैतान होता है। तो सबसे बड़ी सामाजिक बुराई क्या है हमारे इंडिया में, कास्ट सिस्टम, ठीक है। द कास्ट सिस्टम वॉज प्रीडोमिनेंट सोशल इविल इन इंडिया, ठीक है। जिसको प्रीडोमिनेंट शब्द लर्न करने में डिफिकल्टी होती है, तो आप ये लिख सकते हैं द कास्ट सिस्टम वॉज सोशल इविल इन इंडिया, या इज सोशल इविल इन इंडिया, क्योंकि अभी भी है, ठीक है, पहले से कम है लेकिन है, ठीक है। हु आर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जैसा लिखा है वैसा ही लर्न करें, ठीक है, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपको, आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। हु वर कॉल्ड अनटचेबल, हाँ जी, किन को ये कहा जाता है कि इनको छूना नहीं है, ये हमसे दूर हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में। तो दलित्स और शेड्यूल कास्ट वर कॉल्ड अनटचेबल, जो दलित हैं और शेड्यूल कास्ट हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है, अनटचेबल्स, ठीक है। देखिए जो लिखा है वो पढ़ रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है, ठीक है। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि संविधान क्या, आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में संविधान है, ठीक है। तो संविधान है क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, यानी कि पेपर पे लिखा हुआ कुछ संविधान है ये, दैट लेड आउट, जिसमें लिखा गया है द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन, वो रूल्स लिखे गए हैं उस पेपर के ऊपर, जिस रूल्स के ऊपर हमारा जो नेशन है वो चलता है, यानी कि एक नेशन का फंक्शन चलता है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से एक नेशन का फंक्शन चलता है। आई होप आपको समझ आया होगा, 7 क्वेश्चन कर लिए हमने, आई होप, आई थिंक आपको समझ आए भी हैं, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ इसको कुछ गलत मत लीजिएगा, ये सिर्फ हमारी समाज में होता है इसलिए लिखा गया है, ठीक है। तो हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करें, सिर्फ 2 कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। वट डू यू अंडरस्टैंड बाई नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, हाँ जी, आप क्या समझते हैं, वट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाई नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि किसी के बुरे पहलू से, एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बुरे पहलू से। हाँ जी, आपने फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा, आप लोगों ने उस चैप्टर में उसकी सिर्फ प्लस पॉइंट देखे थे कि डाइवर्सिटी की वजह से हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर जानने को मिलता है, नए नए टाइप का खाना खाने को मिलता है, ठीक है, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। ये तो डाइवर्सिटी के सब प्लस पॉइंट यानी कि पॉजिटिव पॉइंट है। ये कहता है कि जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से नेगेटिविटी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसके बुरे पहलू क्या है, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स सर्टेन नेगेटिव एटीट्यूड एंड ओपिनियंस अबाउट अदर दैट कॉज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। दोबारा देखते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी के जो बुरे पहलू हैं, मीन्स सर्टेन नेगेटिव एटीट्यूड, जिसमें क्या है, हम कुछ गलत एटीट्यूड यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, एंड ओपिनियन और गलत सोच रखते हैं अदर्स अबाउट अदर, दूसरे लोगों के बारे में, दैट कॉज डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, भेदभाव। मुझे लगता है आज हमें इतना ही करना चाहिए, ठीक है छोटे हैं बट सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 7 क्वेश्चन ये हो गया, 1 क्वेश्चन ये हो गया, तो 8 क्वेश्चन आप लोग के लिए आज के लिए बहुत है, क्योंकि ये सब लिखने भी हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहती आप काम ज़्यादा देख कर उसको छोड़ दें, आप सोचें कि थोड़ा काम है आज सब फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये 8 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और हेडिंग प्रॉपर बनाना, राइटिंग साफ रखना, ठीक है, डेट लिखते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।